नमस्कार। अब तक मैं वैदिक गणित के 8 सूत्र को बता चुका हूँ। अब हम सूत्र नंबर 9 को पढ़ेंगे। जैसे ही आप इनके वैदिक गणित के सारे सूत्र को पढ़ लेंगे 17 के 17, आपकी कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाएगी। आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन भी 2 या 3 सेकंड में कर लेंगे। चलिए देखते हैं सूत्र नंबर 9। इसका अर्थ है समानुपातिकता। ये किसी भी अंक, 3 अंक की हो, कोई 4 अंक की हो, कुछ भी हो, उनकी आपस में गुणा कैसे करते हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपको 346 में 307 की गुणा करनी है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इनका आधार देखेंगे। इनका आधार सबसे नज़दीक क्या है? 300। 300 इनका आधार है। अब इस 300 में से इन दोनों को माइनस कर लेंगे, तो 300 में से 346 को माइनस किया तो यहाँ मिल गया हमें 46, और 300 में से 307 को माइनस किया, यहाँ बचे 7। अब जो माइनस करके आया उनकी आपस में गुणा, ये हो जाएगा 322। अब इस 346 में या तो 7 जोड़ दो या इस 307 में 46 जोड़ दो, आंसर आपका एक ही आएगा, 353। क्योंकि ये आधार से ऊपर जा रही है संख्या 7 और 46, तो हम इसमें प्लस करेंगे। अगर यहाँ होता 294 या 280 तो हम माइनस करते थे, अब यहाँ प्लस करेंगे। 346 में इस 7 को प्लस करेंगे या फिर 307 में 46 को, 353 आ गया। अब ये 300 से कितने गुणा है? आधार हमेशा में 100, 1000, 10000, 10 ये लेना है बस। और इसमें देखते हैं हम 300 है, 300 का कितने गुणा है? 3 गुणा है। तो जो हमारा ये मान निकल के आया प्लस करने के बाद, इसमें हम 3 की गुणा कर देंगे, तो यह क्या आ जाएगा? 1059। अब ये आ गया हमारा लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, इस में जो गुणा करके आया था इसमें कितने अंक है? 3। हमारे आधार में कितने 0 है? 2। तो हम इसे 2 अंक ही बनाएंगे, या कहने का मतलब है इस अंक को हम इसके नीचे पहुंचा देंगे। तो 10593 यहाँ जाएगा, तो 2 2 इसको प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10622, ये हमारा आंसर। चलिए एक और गुणा करके देख लेते हैं। मान लो आपको 593 की गुणा 504 में करनी है, तो फिर वही आधार देखेंगे, क्या आ गया आधार? 500 आ गया। 500 में से 593 माइनस करेंगे, 93 आ जाएगा। 500 में से 504 माइनस करेंगे, 4 आ जाएगा। 93 गुणा 4 में कर देंगे, 372 आ गया। ये हमारा राइट साइड हो गया। चलो ये 500 के आधार से कितने गुणा है? 5 गुणा है। अब देखिए, या तो 593 में आप 4 जोड़ दीजिए या 504 में 93। क्यों? क्योंकि आधार से ऊपर है 593, 504 से ऊपर है, इसलिए जुड़ेगा आपस में। 593 में 4 जोड़ेंगे, 597। अब इस 597 में यह आधार से कितने बड़े हैं? 5 गुना, इस 5 की गुना 597 में क्या आ गया? 2985। ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है, 372। अब फिर से वही
कितने अंक हैं इसमें? तीन। आधार में कितनी जीरो है? दो। दो अंक हम बाहर रखेंगे और एक अंक हम यहाँ प्लस कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2 7 8 8 9 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और गुणा करके देख लेंगे। 4998 की गुणा हम 5998 करेंगे। तो आधार क्या ले हम? आधार हम इसमें 5000 ले गए। ये 5000 के करीब है, ये भी 5000 में आ रहा है। तो आधार हम 5000 ले गए। आप 6000 भी ले सकते हैं, 4000 भी ले सकते हैं। तो बस वही बात है, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा मिडिल का आधार देखेंगे। 5000 है तो 5000 में से 4998 को माइनस करेंगे, 2 आ जाएगा। और 5000 में से फिर 5998 को माइनस करेंगे, 998 आ जाएगा। इनकी आपस में गुणा 1996 आ गया। अब 1996 आने इस 5998 में या तो आप 2 को माइनस कर लीजिए, या फिर इस 4998 में 998 जोड़ दीजिए। क्यों? एक आधार से कम है, एक आधार से ज़्यादा है। जो आधार से ज़्यादा है इसमें से हमेशा उसमें हमेशा माइनस। उस सवाल में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा ये चिन्ह नहीं लगा पाया था मैं। तो अब देखते हैं, 5000 आधार इसका 5000 है, 5000 में से हमें ये माइनस करना है, प्लस के 2 आ गया। और इस 5000 में से जब ये माइनस करेंगे तो माइनस के 998 आएगा। अब करना वही है, दोनों में से घटाना है। इसमें से ये माइनस जाएगा तब भी 5996 आएगा, अगर और इसमें से ये माइनस जाएगा तब भी 5996 जाएगा। बात एक ही है। इसके बाद जो इन दोनों को माइनस करके आया था उनके आपस में गुणा 1996 माइनस के। अब 5996 में 5 ही गुणा, क्यों? क्योंकि 5000 1000 के 5 गुणे के बराबर है। आधार हमेशा 10, 100, 1000, 10000, 1 लाख यही लेना है। ये 5 गुना है, तो इसमें 5 की गुना कितना आ गया है? ये आ गया 29980। अब इस 1996 में, ये 1996 माइनस का है, इसको प्लस बनाने के लिए इसके आसपास के आधार से इसे माइनस कर लेंगे। इसका आसपास का आधार क्या है? 200, 2000, 2000 माइनस 1996 ये आएगा। ये और क्या, ये क्या आ गया? 0004, 0004 आ गया। अब 1000 में कितने अंक हैं, कितनी जीरो है? 3। तो इधर भी हम 3 रखेंगे, 3 अंक रखेंगे और एक अंक नीचे पहुंच जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगी, 004। तो ये हमारा आंसर हुआ 29980004। इसी तरह आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्याएं आपस में गुणा कर सकते हैं। बस आधार का ध्यान रखें कि आधार क्या लेना है और क्या माइनस हो रहा है, क्या प्लस हो रहा है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। बस याद रहेगी, बस केवल घटाना है आपको। इसमें से इसे घटाया तब भी 5996 आया, इसमें से ये 2 को घटाया तब भी यही आया। बस इतना तो ध्यान रखना है। धन्यवाद।